नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट 02। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि टॉयलेट क्लीनर आप अलग अलग फॉर्मुलेशन से कैसे बना सकते हैं, यानी कि आज के वीडियो में मैं आपको 5 से 6 वेरायटी के फॉर्मुलेशन प्रोवाइड करूंगा जिससे आप टॉयलेट क्लीनर बना सकते हैं। इससे पहले मैंने 2 वेरायटी के टॉयलेट क्लीनर के बारे में बताया है, एक नॉर्मल जो हार्पिक टाइप में होता है उसे किस तरह बना सकते हैं, और एक जो है डोमेक्स टाइप में, यानी कि कलर चेंजिंग जो होते हैं, यानी कि आप ग्रीन कलर के टॉयलेट क्लीनर को बना के उससे ब्लू कर सकते हैं पानी में डाइल्यूट करके, तो वो किस तरह बनते हैं आज के वीडियो में ये नहीं बताऊंगा। आज के वीडियो में बताऊंगा कि इसके अलावा आप 5 से 6 वैरायटी के टॉयलेट क्लीनर को किस तरह बना सकते हैं, तो उसके आज मैं फॉर्मुलेशन प्रोवाइड करूंगा और पिछले वीडियो को मैं आपको रिव्यू दिखा दूंगा कि किस तरह आप इसको बनाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं करता हूं आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह के बिजनेस आइडिया और प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे, साथ ही चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना है कि मैंने 23 फरवरी को कॉस्मेटिक की ट्रेनिंग और दोस्तों 1 मार्च को जो है क्लीनिंग मटेरियल्स की ट्रेनिंग अरेंज की है। क्लीनिंग मटेरियल्स की ट्रेनिंग में आपको हैंड वॉश, डिश वॉश, रोल क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर जैसे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और उसमें 10 प्रोडक्ट्स को मैं कवर करूंगा, वो भी पूरी तरह प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल भी आप लोग ही करेंगे। उसी तरह कॉस्मेटिक्स में शैम्पू, लोशंस, क्रीम्स, इन सब के मैं जो है कवर करूंगा प्रोडक्ट्स जिसको आप प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल बेस ही ये ट्रेनिंग होगी। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसे ज़रूर देखें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए जो कि पूरी तरह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर ज़रूर कॉल करें या व्हाट्सअप कर सकते हैं ट्रेनिंग को सीट को बुक करने के लिए। दोस्तों आपको मैंने इससे पहले जो बताया था वो मैजिक टॉयलेट क्लीनर जिसमें एसिड थिकनर को जो है आप पानी में डाइल्यूट करते हैं, जिसमें आप वीडियो में देख सकते हैं, उसके बाद आप इसमें कलर डालते हैं। कलर जो होता है एसिड ब्लू कलर होता है, यानी ब्लू कलर का कलर होता है, उसे डाला जाता है और डालने के बाद उसे मिक्स करना होता है। इसके बाद इसके अंदर जो हम डालते हैं वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि हार्पिक अगर आप बनाते हो तो उसके अंदर आपको ऐड करना होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अगर आप मैजिक टॉयलेट क्लीनर बनाते हो यानी ग्रीन कलर का, तो उसके लिए आपको ज़रूरी होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो 2 वेराइटी के हैं जो कि आपके सामने वीडियो में दिख रहे हैं, ये मैजिक टॉयलेट क्लीनर का वीडियो है, लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत से वेराइटी को बना सकते हैं, बहुत से वेराइटी के प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। वो किस तरह बना सकते हैं उसके फॉर्मुलेशन मैं आज दे दूंगा आपको, आप अपने यहाँ से प्रैक्टिकल करिए, प्रॉपरली फॉर्मुलेशन है उसे प्रैक्टिकल करके आप बनाएं। अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छा लगे तो उसके बारे में मुझे बताएं। दोस्तों इस प्रोडक्ट्स जो मैजिक क्लीनर बनता है यानी मैजिक टॉयलेट क्लीनर जो बनता है उसमें नॉर्मल पानी होता है, एसिड ब्लू कलर होता है, एसिड थिकनर होता है, और लास्ट में जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुआ जाता है जो कि उसका कलर चेंज करता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि SCL नहीं हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से ये कलर चेंज करता है। लेकिन दोस्तों ये जो है डोमेक्स टाइप में बनता है, लेकिन जब आप हार्पिक टाइप टॉयलेट क्लीनर बनाते हैं तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जब आप ऐड करते हैं आपके प्रोडक्ट्स में टॉयलेट क्लीनर में तो उसका कलर जो ब्लू कलर हमने ऐड किया है वो कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाएगा, यानी कि वे मैजिक टॉयलेट क्लीनर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कस्टमर आपसे ये प्रोडक्ट्स परचेस करता है और अपने टॉयलेट बॉल्स में जब डालता है तो ग्रीन कलर का जो प्रोडक्ट्स होता है जब टॉयलेट बॉल को टच करता है तो वो ब्लू हो जाता है, तो ये एक तरह का मैजिक टॉयलेट क्लीनर होता है जो कि यूनिक प्रोडक्ट्स है। इस प्रोडक्ट्स को हम इजी देखे हैं बनाते हुए, मैं बता भी देता हूँ कि आपको सबसे पहले लेना है पानी, पानी में लेना है आपको एसिड थिकनर, एसिड थिकनर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करना है एसिड ब्लू कलर, और दोस्तों सबसे लास्ट में हमें ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड। देखा होगा आपने वीडियो में कि जैसे ही मैंने सल्फ्यूरिक एसिड इसमें यूज़ किया इसका कलर चेंज हो गया, यानी ब्लू से ये ग्रीन हो गया, आप देख सकते हैं इसका कलर पूरी तरह चेंज है और ये ब्लू से ग्रीन हो गया। लेकिन हार्पिक टाइप में जब बनाते हो तो उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होता है क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनता है, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह ग्रीन है। इसी तरह आप जो है अलग अलग फॉर्मुलेशन पे काम करके यूनिक प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, यानी कि जो आज मैं फॉर्मुलेशन स्क्रीन पे देख सकते हैं जो दे रहा हूँ इसमें जो है आप 4 से 5 वैरायटी के फॉर्मुलेशन को बना सकते हैं। फिलहाल इसमें जो है 4 वैरायटी के फॉर्मुलेशन है, मैजिक टॉयलेट क्लीनर को ले लिया जाए तो ये 5वां और हार्पिक टाइप में जो होता है वो 6ठा, ये 6 वैरायटी के टॉयलेट क्लीनर को आप बना सकते हैं अपने घर से। इसमें आप देख सकते हो कि फॉर्मिक एसिड यूज़ हुआ है, फास्फोरिक एसिड यूज़ हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक फर्स्ट फॉर्मुलेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड 7% है, सेकेंड में फास्फोरिक एसिड है 30 से 50%, और फॉर्मिक एसिड जो है वो थर्ड फॉर्मुलेशन में यूज़ हुआ है 5 से 25%। चौथे फॉर्मुलेशन में हमने यूज़ नहीं किया है कोई भी एसिड को, उसमें डायरेक्टली सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट
यूज़ किया गया है। तो इस तरह आप अपने घर से अपने फॉर्मुलेशन को क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये जो चारों फॉर्मुलेशन को आप ट्राई करिए, इसमें अगर कोई भी बात हो आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आपको ट्रेनिंग जो है ज्वाइन करनी है जो कि पूरी तरह प्रैक्टिकल है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर करें। व्हाट्सएप में आप लिख दीजिए ट्रेनिंग डिटेल्स, मैं आपको पूरी डिटेल्स दे दूंगा। तो ये रही दोस्तों टॉयलेट क्लीनर की बातें, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और भी वैरायटी। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर वेट करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।